गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ के हिंदी सब्जेक्ट के तीसरे अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मंदिर में आने वाले लोग कैसे स्वभाव के होते हैं? तो इसका उत्तर है, मंदिर में आने वाले लोग सहृदय और दयालु होते हैं। अगला प्रश्न है, अंधी की झोपड़ी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है, अंधी की झोपड़ी नगर के बाहर थी। अगला प्रश्न है हमारा, सेठ बनारसीदास कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर है, सेठ बनारसीदास काशी में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा, क्या वास्तव में अंधी ने सेठ जी के पास रुपए नहीं रखे थे? नहीं, अंधी ने सेठ जी के पास रुपए रखे थे। हमारा आखिरी प्रश्न है, सेठ जी ने कैसे जाना कि अंधी के साथ उनका अपना बेटा है? तो इसका उत्तर है, जब उन्हें स्मरण हुआ कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। थैंक यू।